अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम मलाकंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट बोनेर में हैं। डिस्ट्रिक्ट बोनेर के बारे में हम आपको बताते चलें, जब हिस्ट्री के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो 1857 की जंग आज़ादी में भी बोनेर से तलक रखने वाले मुजाहिदीन ने उसमें हिस्सा लिया है। इसके अलावा मुगल्स भी यहाँ से गुजरे हैं, सिकंदर आजम का भी यहाँ से गुजर हुआ है और सिखों के अगेंस्ट भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस शो की गई है। मलाकंड और ख़ास करके सवात के जो दो बादशाह गुजरे हैं उनका तलक भी इसी बोनेर से है। यानी हिस्ट्री के ऊपर भी आज हम नज़र डालेंगे। जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो बोनेर को औलिया इकराम की सरजमीन भी कहा जाता है, इसको भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जब हम बिजनेस टूरिज्म की बात करते हैं तो बोनेर के इन छुपे हुए ख़जानों में भी कीमती ख़जाने हैं और उन कीमती ख़जानों में से एक संगे मरमर भी है और आज एक्सप्लोर करेंगे कि संगे मरमर के यहाँ पर कितने ख़जाने हैं। आए फिर चलते हैं इन खूबसूरत वादियों के में, क्योंकि मलाकंड डिवीजन में सियाहत के रंग डिस्कवर पाकिस्तान के संग। बोनेर खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई खूबसूरत ज़िला है जिसे 1991 में ज़िले का दर्जा मिला। इससे पहले इसकी असियत सवात के एक तहसील की थी। इस ज़िले को उंडरमंद अफरादी कुवत, खूबसूरत कुदरती मनाजिर, घने जंगलात और मादनी दौलत की वजह से मलाकंड डिवीजन में मरकजी असियत हासिल है। यहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। तालीमी और कारोबारी हवाले से ये ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के तेज़ी से तरक्की करने वाले अजला में शुमार होता है। ज़िला बोनेर की तहसील मदन गांव का मलका अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। यहां के बासियों ने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, जबकि मशहूर जंग अम्बेला में सैयद मुबारक शाह की कमांड में अंग्रेज़ों को उस वक्त शिकस्त दी जब अक्टूबर 1863 में अंग्रेज़ फौज की कमांड जनरल चेम्बरलेन कर रहे थे। बोनेर के इसी ख़ानदान ने सैयद अकबर शाह ने रियासत स्वात की बुनियाद रखी और इसी ख़ानदान के तीन बादशाहों की स्वात पर हुक्मरानी रही। सैयद अकबर शाह ने रजीत सिंह के साथ एक मार्के में अटक का किला भी फतह किया। जी नाजरीन, इस वक्त हम सब डिवीजन मंदन डिस्ट्रिक्ट बोनेर में हैं और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम आपको बताते चलें कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम, मुगल्स, सिख्स और इवन के अंग्रेज़ भी आए बोनेर और बोनेर की बड़ी तारीखी हैसियत है। वाली के ज़माने में भी ये स्टेट का हिस्सा रहा है और जिन्होंने स्टेट की बुनियाद रखी, जिस हुजरे में हम मौजूद हैं, जो मिश्रान हमारे साथ मौजूद हैं, ये उन्हीं के ही फैमिली के एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने ओवरऑल सवात में और बोनेर, लोअर दीर और शांगला भी उस स्टेट का हिस्सा था, उन्हीं के बुज़ुर्गों ने रखी। इसके ऊपर हम बात करेंगे और बताएंगे कि बोनेर की हिस्ट्री हमें क्या बताती है। जी सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद असदुल्ला है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ मलका। मेरे वालिद साहब खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, ज़रा बताइएगा कि यहाँ, हमें रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि बोनेर में सिकंदर आजम भी आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आया, मुगल्स का भी गुजर हुआ है, अंग्रेज़ का भी हुआ है। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इन इलाकों ने भी, जैसे केपी में जहाँ भी हम गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो रेजिस्टेंस शो हुई है। Exactly. तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस शो की गई है, ज़रा बताइएगा इन मारकों के बारे में। तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ हुकूमत से पहले की बात अगर मैं बता दूं, 1857 से पहले तो सैयद अकबर शाह साहब वो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे दादा थे। तो उन्होंने 1831-32 में जब सैयद अहमद साहब आए हिंदुस्तान से अपने मुजाहिदीन के साथ, तो वो अकोड़ा खटक वहाँ से फिर आके हरिपुर हज़ारा डिवीज़न में वहाँ पे उनकी मशावरत हुई और वो फिर मशावरत के बाद सैयद अहमद साहब अमीर मुजाहिदीन रहे। तो उसके बाद फिर सैयद अहमद साहब चले गए बालाकोट, वहाँ पे रंजीत सिंह के साथ उनका उनकी लड़ाई हुई, सैयद अहमद साहब शहीद हुए। उनके जो मुजाहिदीन थे वो फिर वापस आ गए सैयद अकबर शाह साहब के पास और हमारे आबाओ अजदाद रहते थे तरबेला सिताना भी और यहाँ पे बुनेर मलका भी। तो सैयद अकबर शाह साहब रंजीत सिंह के साथ भी लड़े, अटक का किला इन्होंने कब्ज़ा किया था इनसे। अच्छा, उसके बाद जब सैयद अहमद साहब के मुजाहिदीन जब इनके साथ रहे तो फिर 1846 में
सौवात के लोग आए यहाँ पे। स्वात में स्टेट नहीं हुआ करता था, अच्छा। दीर का था स्टेट, दीर में नवाबी थी। स्वात, शांगला और डिस्ट्रिक्ट बुनेर यहाँ पे लोकल कॉलोनीज़म था, गांव के लेवल तक, छोटे महदूद लेवल तक। तो फिर ये सब आके यहाँ पे एक जरगा हुआ। सैयद अकबर शाह साहब, इन्होंने अपने कवानीन रख के, अपने उसूल रख के, और 1846 में स्वात स्टेट की बुनियाद रखी। 11 साल तक उनकी हुकूमत थी, और किताबों में लिख के आ रहा है कि इन्होंने इतना सख्त कानून रखा था, टैक्स इतने लगाए थे कि मतलब अंगूर के जो गोचे थे उसके ऊपर भी इनका टैक्स था। अच्छा, ऐसा एक मुनज़्ज़म निज़ाम। फिर उनके उनकी वफ़ात हुई 1857 में। तो एक इंग्लिश राइटर है ओलफ केरो, वो अपनी किताब में लिखते हैं दीपटान में कि आज हमें दो खुशियाँ हुई हैं जंग के। एक खुशी ये कि हमारे सैयद अकबर शाह साहब वो वफात पा गए। उनसे पहले अंग्रेज़ ना इधर आए बुनेर, और ना इधर हमारे दूसरे सितारे की तरफ आए, और ना ये लोग मानते थे। ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म को और अल्लाह ताला के कानून को इस सरजमीन में लाना चाह रहे थे। यहाँ पे उस ज़माने में नहीं थी, इस्लाम भी इतना नहीं था, मुनज़्ज़म नहीं था। तो फिर सैयद अकबर शाह साहब के बाद उनके बेटे आए, सैयद मुबारक शाह साहब। उन्होंने फिर 2-3 साल हुकूमत की स्वात स्टेट पे। ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ को जब पता चला कि ये सैयद मुबारक शाह साहब तो उसी ख़ानदान के हैं, तो वो अंग्रेज़ों ने फिर सवाबी से चाहा। हसन अब्दाल तक थी रोड, और ये जीटू रोड जा रही थी, तो हसन अब्दाल से सवाबी की तरफ से वो आ रहे थे, लेकिन सवाबी के लोगों ने रेजिस्ट किया कि हम आपको नहीं जाने देंगे मलका सैयद मुबारक शाह साहब के पीछे। तो फिर वो मर्दान के अंबेला के रास्ते से आए, जो अंबेला चौक नीचे है, जिसको हम क्रॉस करके आए। एग्जैक्टली, अंबेले का जो दर्रा है जो नीचे मर्दान की तरफ से, वहाँ पे अंग्रेज की फौज आई 6,000 फौज, और जंग अंबेला हुआ 1863 में, और इनके तकरीबन 2,000 कैजुअल्टीज हुई ब्रिटिश आर्मी। अच्छा, आपसे फिर स्टेट गई कैसे? फिर वो एक आता है कि वाली ये सवात का एक और फैमिली आ जाती है। जी जी जी। तो फिर क्या अंग्रेज की मदद से उनके हवाले किया गया, या आपका वही खानदान आगे चल के चलता गया स्टेट का हुक्मरान? 1913 में सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहब स्वात स्टेट के हमारे खानदान से तीसरे बादशाह रहे। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक। तो 1913 से लेके 1917 तक फिर उनकी थी हुकूमत। फिर जब अंग्रेज़ को पता चला कि ये तो उसी खानदान के हैं, तो अंग्रेज़ ने फिर साजिश शुरू कर दी, और रिजीम चेंज हुआ। एग्जैक्टली, यानी रिजीम चेंज उस वक्त भी हुआ है। रिजीम चेंज और इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल करके उन्होंने, ठीक है, इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल किया, और मस्जिदों में कहीं कहीं पे अपना एक मिशन एजेंडा जो है वो नाफिज किया। एग्जैक्टली, वो एजेंडा चला के फिर हमारे दादा ने कहा कि मैं तो मतलब हूँ अभी स्टेट का सरबरा, फौज भी मेरी अंडर है और इदारे भी मेरे अंडर है, अगर मैं चाहूँ तो आपके लोगों से आप ही को मरवा दूँ, लेकिन मेरा ये ईमान नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला तो हमें ये नहीं हुक्म देते कि आप अपने फौज को अपने आवाम के ऊपर मुसल्लत करें और इन्हें मार भगाएं। तो फिर उन्होंने रिज़ाइन दी 1917 में, और वो फिर वज़ीर आज़म अम स्टेट, ये साथ हमारा एक स्टेट लगता है। अच्छा। मानसेरा के साथ लोगों का जरिए माश क्या है यहाँ पर, लोकल लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर? बस लोग तो ये खेती बाड़ी कर रही है। अच्छा। टमाटर हमारा अच्छा फसल होता है, और ये प्याज का जो है ना स्वाद नंबर वन। अच्छा, ये हमारा बेहतरीन, यहाँ से मार्केटों में भी भेज रहे हैं प्याज, बेचते हैं। इस पहाड़ी इलाकों से जो प्याज है वो शहरों तक जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये लेमन ग्रास है। अच्छा, लेमन ग्रास भी यहाँ से, वो भी मंडियों तक जा रहे हैं। जी, वो लाहौर तक जा रहे हैं। क्या बात है, लाहौर तक जा रहे हैं। जी जी जी। वाह, यानी लोग अपनी मदद आपके तहत, उन्होंने जमीनें आबाद की हुई हैं, और उससे खुद वो अपने घर का भी किचन भी चला रहे हैं, और उसको वो मार्केटों तक भी भेज रहे हैं, और अपना जिंदगी भी, और अपनी जिंदगी खुशी के साथ। यहाँ पर हर किस्म की फसल जो है वो बही जा रही है। जैसे हम डगर की बात करते हैं, डगर में अगले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि वहाँ पर भी गंदम, मकई, ज्वार और बेस्ट क्वालिटी का प्याज पैदा होता है, और यहाँ पर भी वही सिलसिला है कि लोग खुद मेहनत करते हैं, मेहनत से अपना किचन भी चला रहे हैं, और वही उनकी जो चीज़ें, जैसे इन्होंने कहा जी कि लेमन ग्रास हो गया और प्याज हो गया, और मार्केट तक भी जा रहा है। तो ये सबसे एक पॉजिटिव साइन है इस खूबसूरत वादी का। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर।
असद साहब ने हमारे लिए देसी खानों का यहाँ पर अरेंजमेंट किया है अपने हुजरे में। सबसे पहले तो उन्होंने हमें देसी यखनी बुलाई, उसके बाद देसी खाना, और जैसे ये देसी मुर्गी थी, मुर्गा था सर? जी जी जी, मुर्गा था। हाँ मुर्गा है, मुर्गा था, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा जी, ये देसी मुर्गा, इसकी पता चलता है, पता भी चल रहा है कि वाकई देसी है, ठीक है ना, क्योंकि इसने भी पहाड़ी और देसी खुराकें खाई हुई है बाकौल इनके। बिल्कुल। उसके बाद ये सर बताइएगा, ये कौन सा साग है? ये सर पम्पकिन, कद्दू जो होता है सर उसके पत्ते। अच्छा, जो कद्दू अभी तैयार हो रहा है। जी 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 जी, जो तैयार हो रहा है उसके पत्ते काट के, उसकी जो चमेली होती है। जी 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 जी, उसका साग बनाया गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसका साग बनाया। और ये भिंडी भी देसी है? ये भी देसी है अपने। और उसके बाद ये दही, ये अपना मलाई है, दही है। अच्छा, मलाई है, माशाल्लाह। और ये भी लोकल है? अच्छा, लोकल है, अपनी भैंस का मलाई। वाह जी, मलाई तो ज्यादातर नाश्ते में यूज होती है, आप मतलब खाने में भी करते हैं दोपहर के और रात के? ये तो चॉइस पे होता है सर, चॉइस पर है। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, आपने तो फिर हद ही कर दी आज हमारे लिए कि आपने देसी खाने हमारे लिए यहाँ पर, और वो भी बनेर जैसे। बस सर, ये पहाड़ों में आपको देसी खाने मिलेंगे। अच्छा, और ये रोटी भी गंदम की है? जी, देसी जी, गंदम की है। ये भी देसी गंदम है सर। अच्छा, अपना लोकल। तो ज्यादातर तो हमारी होता है प्रोग्राम ही ऐसा कि हम मोमेंट में ज्यादा होते हैं, और कोशिश होती है कि दोपहर का खाना हम ना खाएं। और तकरीबन जो बनेर में भी हमारा ये एक वीक हो चुका है, तो हमने ज़्यादातर तो कोशिश की है कि अवे करें, लेकिन इन्होंने अरेंजमेंट कर ली। और दूसरा, क्योंकि मेहमान नवाज ये लोग बहुत ज़्यादा हैं ओवरऑल, जैसे हम बताते आ रहे हैं फाटा के बल्ड की, लेकिन फाटा के लोग भी जैसे डिस्ट्रिक्ट बनेर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। दूसरा ये है कि जिस फैमिली से इनका तल्लक है उसका भी एक नाम है, ज़ाहिर है उन्होंने रूल किया इस इलाके पर, तो उसके मुनासिब से इन्होंने यहाँ पर हमारे लिए ये अरेंजमेंट किया, तो इसके लिए शुक्रिया। तो हम इसको ज़रा टेस्ट करके चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो कहा कि होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन कद्दू का साग। माशाल्लाह, यानी इसमें आपने इतने मसाले वगैरह कुछ नहीं डाला? मसाले कोई नहीं डाला, कुछ नहीं, मसाला नेचुरल चीजें, नेचुरल और सब्ज मिर्ची और लोकल अपना इसका टेस्ट। इसमें मिसाले डालेंगे तो इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। जी, जी। पंजाब में तो सारा सर, मैं वहाँ पे सियालकोट आता हूँ, हेड मराला। जी जी, चाय के अलावा सब चीज़ों में मिर्ची, चाय के अलावा सब चीज़ों में मिर्ची है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं। जी, और इसी तरीके से जरा इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, मलाई को। जी जी, और ये मलाई सर, अब माशाल्लाह कितनी भैंसें रखी हुई हैं आपने? दो भैंसें सर। माशाल्लाह जी जी। तो जी नाज़रीन, आप देखते रहे पहाड़ों का सफ़र, और हम खाने को ज़रा इन्जॉय करते हैं। ज़रा देसी खाना है तो इसे तो पीछे नहीं हटा जा सकता। जी, इस वक्त हम गांव मलका में ही हैं, और तकरीबन सतह समुद्र से इसकी जो बुलंदी है 6,500 फीट है, अच्छी खासी बुलंदी है, और सरसब्ज वादी है। मकई की फसल अभी तक इस गांव में यहां पर बोई हुई है, नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा और भी यहां काश्तकारी होती होगी। सैयद मोहम्मद फ़ाद साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल्स पूछते हैं। जी फ़ाद साहब, बताइएगा ज़रा इस गाँव की हिस्ट्री, कितना पुराना गाँव है ये? जी 1700-1800 तक जो हिस्ट्री है किताबों में, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो मलका जो है ना, इसका नाम मौजूद है। अच्छा, और इससे पता लगता है कि ये बहुत पुराना गांव है। 1700-1800 जहाँ तक इस गांव की हिस्ट्री है, तो बहुत पुराना गांव है, बहुत पुराना। और ये असल में पहले मुजाहिदीन जो थे 1857 और उससे पहले जंग आज़ादी, तो ये एक बेस कैंप हुआ करता था उनके लिए। अच्छा, ये बताइए टूरिस्ट आते हैं यहाँ, इतनी खूबसूरत वादी है, किन किन इलाकों से इस इलाके में आते हैं सियाह बाहर से? यहाँ पर हमारा जो DC साहब था शिबुल्ला साहब, वो यहाँ पर आए, और उसने जो है ना ऊपर जो महाबन है बरछड़, वहाँ पर एक टूरिज्म स्पॉट जो है अभी, वहाँ पर उन्होंने वो मसनू जो घरें बाहर से मंगवाए वो भी लगाए, लेकिन अभी इफ्तिताह नहीं हुआ। इफ्तिताह कब तक होगा उसका? अभी कि मेन प्रॉब्लम रोड की है, रोड जो है ना, अभी रोड जो है ना वो सही नहीं है। वो टूरिस्ट आते हैं लेकिन उस मकदार में नहीं है जिस तरह मरी और उन इलाकों को रोक कर। अच्छा, आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं, ज़ाहिर है ये जब चैनल पर चलेगा गाँव मलका, और इतना तारीखी गाँव और इतनी खूबसूरत वादी और हाइट के ऊपर,
तो ज़ाहिर है टूरिस्ट भी आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर किया, लोगों को दिखाया कि खूबसूरत जगह है, यहाँ पर जंगलात भी हैं, खूबसूरत आबशार भी हैं, बहुत बहुत कुछ। तो जी नाजरीन, ये जो खूबसूरत वैली नज़र आ रही है ये है माबन वैली, और कहा जा रहा है कि इनके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो 3 डिवीजन इनके साथ मुंसलिक हैं, यानी जुड़े हुए हैं आपस में, रास्ते जाते हैं उनको। तो मकामी तहसीलदार हमारे साथ हैं सैयद अफसर अली साहब, उनसे पूछेंगे। अफसर साहब बताइएगा कौन कौन से डिवीज़न जो हैं इस खूबसूरत वादी के साथ जुड़े हुए हैं, इस तहसील के साथ? एक हरिपुर डिवीज़न आता है, एक तोरगा दारा डिवीज़न, एक सवाबी मरदान डिवीज़न है। तो टोटल रकबा कितना है इसका, इस तहसील का? इस तहसील का टोटल रकबा तकरीबन 1,00,000 एकड़ है। 1,00,000 एकड़। और इसमें से जरी ज़मीन कितनी है? इसमें से तकरीबन जरी ज़मीन 45,000 एकड़ है, 55,000 एकड़ जो है ये जंगलात है। आप ज़रा बताइएगा कि ओवरऑल इनके, जैसे इन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ डिवीज़न, और किस साइड से कौन सा डिवीज़न अटैच हो रहा है इस तहसील के साथ? जी जी सर, ये महाबन वैली आपको पीछे नज़र आ रही है जी जी, ये सारा जो वैली है ये महाबन वैली है। ठीक हो गया। और इसके साथ लग रहे हैं हमारा हजारा डिवीज़न लग रहा है ये बैक साइड पर। जी, हजारा डिवीज़न का कौन सा डिस्टेंस है इस पहाड़ की दूसरी साइड पर? हरिपुर डिस्ट्रिक्ट, हरिपुर। अच्छा, उसका कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से, कितने किलोमीटर? उसका तकरीबन 15-20 किलोमीटर टॉप पे हमारे साथ। अच्छा, टॉप से 15-20 किलोमीटर। जी जी जी। उसके साथ फिर सर इस तरफ हमारा लगता है मरदान डिवीज़न। अच्छा ठीक है, मरदान डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट सवाबी लगता है। अच्छा, और जहाँ पे आप खड़े हैं सर मलका में, ये मलाकन डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट बुनेर है। डिस्ट्रिक्ट बुनेर है जी जी। और इस साइड पर ये जो वादी नज़र आ रही है ये मलाकन डिवीज़न की तरफ जा रहा है जी जी। इसका जो ये सर, ये सारा जो आपको जितना भी नज़र आ रहा है सर, ये सारा मलाकन डिवीज़न है। लगता है शांगले के साथ हमारा बॉर्डर है, फिर सवात के साथ हमारा लग रहा है बॉर्डर, काला डाका भी इसी साइड पर। ये तोरगर सर, इसको काला डाका जो नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है डिवीज़न का। एग्जैक्टली, तो ये डिस्ट्रिक्ट तोरगर आपका नज़र आ रहा है, इसके साथ मानसेरा भी लगा हुआ है, अब्टाबाद भी लगा हुआ है। तो रोड का सर इंडस रिवर के ऊपर अभी पीटीआई गवर्नमेंट बना रही है एक ब्रिज, वो ब्रिज अगर बन गई तो फिर इंशाल्लाह हमारा बुनेर से मानसेरा आधे घंटे में एग्जैक्टली। फिर टूरिस्ट भी इन साइडों से होकर गुजर के जा सकते हैं जी। सारे टूरिस्ट आपके लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान से जितने भी आ रहे हो, आपके कागान, नारान, अब्टाबाद, मरी, वहाँ से फिर वो इस तरफ का रुख करेंगे बुनेर। बुनेर में फिर आपको ये महाबन वैली देखने को मिलेगा, इसके साथ हमारे पीर बाबा वाले रहमत का मज़ार भी इधर है डिस्ट्रिक्ट बुनेर में। यहाँ से फिर होके आप सवात भी जा सकते हैं, शांगला भी जा सकते हैं, फिर दीर, कुमराड की तरफ भी निकल गबीन जबा। ये यानी टूरिस्ट अगर वो रोड का जो प्रोजेक्ट है आप कह रहे हैं कामयाब हो गया, तो थ्रू आउट टूरिस्ट का रुख हो सकता है एग्जैक्ट स्वाबी से होते हुए ये खूबसूरत वादी देखते हुए डगर पहुंच सकते हैं, और डगर से थ्रू आउट वो शांगला भी जा सकते हैं और मलाकन टॉप भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर, टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे और खास करके इस वादी के बारे में? इस वादी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये अनएक्सप्लोर एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे मैं टूरिस्ट को कह रहा हूँ कि आप आ जाएं, घूमें, इसको एक्सप्लोर करें, और इंशाल्लाह तो हमने एक्सप्लोर किया है टूरिस्ट के तो लिए। हम आपको, आपका बहुत मशकूर हैं, आपकी टीम का, कि आप यहाँ पे आए, आपने हमें टाइम दिया, आपने ये इलाका एक्सप्लोर किया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये M1 से आपको 6 किलोमीटर रोड अगर बन जाए, सिर्फ 6 किलोमीटर, तो ये एग्जिस्टिंग रोड के साथ अगर 6 किलोमीटर लग गया तो 1.5-1 घंटे में आप गाजी एग्जिट से या सवाबी एग्जिट से आप महाबन टॉप पे 7,500 फीट एलिवेशन पे आराम से होंगे। फिर बादलों पर हम चलें।
जी नाज़रीन, हम गांव मलका में ही हैं, आज एक्सप्लोर कर रहे हैं बोनेर की इस खूबसूरत वादी को। तो हमारे साथ एक शाह साहब हैं, जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि तहजीब और सकाफत, और एक और ये भी सकाफत है जो तकरीबन कहीं सालों से चली आ रही है यहाँ पर, कि जानवरों की जो खाल है, जो चमड़ी है, उससे यहाँ पर चारपाइयाँ बनाई जा रही हैं, और ये कदीमी इनके यहाँ ये रिवाज पाया जाता है, और तकरीबन हर हुजरे में वो चारपाइयाँ जो जानवरों की चमड़ी से यानी खाल से जो बनी होती हैं वो मौजूद हैं। जी शाह साहब, नाम बताइएगा अपना पूरा। थैंक यू सर, आप आए हैं, आपको आने का खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद शमशेर है। तो शमशेर साहब, हमें बताइएगा कि ये खाल हमें जानवर की नज़र आ रही है, तो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जी इससे तो हम यहाँ पर ये वही जिस तरह के ज़माने से, पुराने ज़माने से यही एक रिवायत चली आ रही है, तो ये चारपाइयाँ भी बनाते हैं इससे। तो इसको हम खुश करके फिर बाद में फिर दोबारा इसको गीला करके पानी में कोई 30 दिन तक रखते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर उसको उसके जो जितने माहिरीन हैं वो इसके वो तस्मे हम कहते हैं उसको दूध में भी रखी जाती है, फिर बाद में उस तस्मों को दूध में रखते हैं। अच्छा, तस्मे मीन जो उसमें से धागा निकालते हैं, जो धागा वगैरह निकालते हैं उसको दूध में रखा जाता है, वो फिर दूध में रख के ना उससे फिर चारपाई वो बुनते हैं। अच्छा, तो उस खुश हो जाती है, पर मेरे ख्याल में ये ज़मानों से चलती है। अच्छा, ये बाकी जितने चारपाइयाँ हैं या जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं प्लास्टिक की या और थी, तो इसकी ज़िंदगी काफ़ी सारी है, मुद्दतों से चलती है। फिर अच्छा, मुद्दतों से चलती आ रही है। अच्छा, और तकरीबन हर उजरे में ये मौजूद, तकरीबन हमारे इलाके में तकरीबन सारे उजरों में ये मौजूद है, और ये काफ़ी है। यानी 2 महीने तक यहाँ दरख्त पर पड़ी रहती है? बिल्कुल। उसके बाद इसको ले जाके पानी में भिगोया जाता है? बिल्कुल सर। गर्म पानी में या ठंडे में? नॉर्मल पानी में। नॉर्मल पानी में कितनी देर तक? ये ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक, यानी ये 1 माह तक ये पानी में पड़ा रहता है, डुबोया रखते हैं। उसके बाद उसको निकाला जाता है उससे? उसको बाद उसको निकालते हैं वो, और उसको उससे बाल वगैरह साफ करके, अच्छा, इससे फिर वो तस्मे निकालते हैं, धागे जैसे, धागे निकाल के, जिससे फिर बाद फिर दूध में कितने टाइम के लिए रखते हैं? दूध में कोई 1 दिन के लिए, 1 दिन, और उसके बाद चरपाई का काम शुरू हो गया। जी नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ तकरीबन कई सालों से चला आ रहा है कदीमी रिवाज है ये, कि जो जानवर की ये खाल है इससे यहाँ पर चारपाइयाँ बनाई जाती हैं। शीशा, सबसे पहले इस हुजरे के बारे में बताइए कि कितने साल पुराना हुजरा है आपका? ये तो बहुत पुराना है जी, मैं बच्चा था, छोटा था। अच्छा, कितने साल हो गए होंगे? तकरीबन कोई 70-80 साल होंगे। तकरीबन 70-80 साल हो गए जी। अच्छा, यानी आपके वालदेन का था? जी, मेरे वालदेन, यानी यहाँ से ही बैठ के वो मुख्तलिफ अमूर भी देखते थे? जी बिल्कुल, पूरे इलाके के लोग जाहिर है उनके पास आते होंगे, क्योंकि हुजरा कल्चर तो उस जमाने में बहुत स्ट्रांग था। बिल्कुल जी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, ये चरपाई के बारे में बताएं कि ये कब से बुनी जा रही है, खाल से, मतलब जानवरों की खाल से तैयार हो रही है? ये तो ये बहुत पुरानी कल्चर है, बहुत पुरानी जमाने का। अच्छा, ये जानवर से जब चमड़ा निकालते हैं तो फिर उसको किसी दरख्त में या किसी लकड़ी पर रखते हैं, ठीक हो गया। जब वो सूख जाए तो फिर उसको पानी में डबोते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसका कुछ म्याद होता है, 10-12 दिन या 40 दिन या 20 दिन, उसके बाद इसका अपना कारीगर होता है। अच्छा, एक तो ये मजबूत होती है जी। अच्छा, और जब ये ढीला हो जाता है तो ये धूप में रख कर फिर ये टाइट हो जाता है। अच्छा, और इसका उम्र बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, उम्र ज्यादा है जी जी। यानी आपके उजरे में अच्छी खासी इसी की बुनी हुई है चरपाइयां। तो जी नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बोनेर के इस खूबसूरत वैली मलका को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहाड़ी इलाका है, ऐसे कोई बड़ा ग्राउंड हमें नज़र नहीं आया, लेकिन ये बिल्कुल गांवों के दरमियान में एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है ग्राउंड और वॉलीबॉल खेला जा रहा है।
और आई थिंक ये इनकी फेवरेट गेम होगी। यहाँ पर इन्हीं के वालदेन जो बच्चे खेल रहे हैं उनके अजीज़ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वॉलीबॉल जो है इनका ये पसंदीदा खेल है। जी बताइएगा, आप नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम सैयद हसनैन है जी। अच्छा, मलका का रिहाइश हूँ जी। जी और ये गेम जो है ये काफ़ी अरसे से यहाँ से खेली जाती है। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 40-50 साल हो गए जी। 50 साल हो गए ये गेम खेलते बिल्कुल हुए। बिल्कुल, जो आपको अभी सीनियर देख रहे हैं ये सारे पहले यहाँ पे खिलाड़ी हुआ करते थे। अच्छा, लेकिन अब ये शौक बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है आस्ता आस्ता। अच्छा, तो एक मतलब काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम से चलता बिल्कुल जी बिल्कुल। और किसी टूर्नामेंट में भी शहरों में भी जाके ये शिरकत करते हैं जी? बिल्कुल, ये इवेंट्स होती हैं इनकी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होती हैं, तहसील वाइज भी होती हैं। अच्छा, और मतलब कोई ट्रॉफी जीत के लेके आए हैं यहाँ पर? काफ़ी ट्रॉफियाँ, पहले तो हमारे गाँव का एक नाम होता था वॉलीबॉल के इस मैच में। अच्छा, स्पेशल मतलब काफ़ी ट्रॉफियाँ लेके आए हैं ये लोग। अच्छा बिल्कुल, यानी ये जीते हैं ये ट्रॉफी? बिल्कुल जी, बहुत सी ट्रॉफियाँ जीत के आए हैं जी। अच्छा, तो आप बताइएगा ज़रा, आप इसकी हिस्ट्री बताइएगा। वॉलीबॉल मेरे ख्याल में इतने शौकीन हैं यहाँ के प्लेयर के, हमने कहा कि कहीं को उर्दू बोलना भी आती होगी, हमने कहा कि आगे इंटरव्यू दें, लेकिन गेम में इतने मदन हैं और कमिटमेंट है इनकी गेम के साथ कि इन्होंने कहा कि नहीं जी, ऊपर जो लोग हैं उनसे बात कर ले वही बताएंगे। तो इतने लगाव के साथ ये गेम खेल रहे हैं, तो बताइएगा जी ज़रा ये वॉलीबॉल जो यहाँ पर खेला जा रहा है इसकी हिस्ट्री। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिस तरह सर आपने नज़ारा देख लिया है, और हमारा इलाका भी पहाड़ी है जी जी, तो ग्राउंड और स्टेडियम के तो वही आप सब कुछ देख रहे हैं कि पहाड़ों में, लेकिन ये वॉलीबॉल जो हमारा गेम है ये हम एक किस्म पुश्तों से खेलते आ रहे हैं। अच्छा, और काफ़ी हमारे यहाँ से आर्मी में भी यहाँ से खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, आर्मी की टीम में यहाँ इस गांव मलका के सिलेक्ट हुए हैं, उनके नाम बताएं, वो तो आपके फिर हीरो हुए तो है जी, जवाद नाम है सैयद जवाद अली शाह। अच्छा, और एक दूसरा तो अभी चला गया बाहर। अच्छा, तो इस तरह के हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम खेलते हैं, प्रोविंशियली भी खेलते हैं। तो गवर्नमेंट इस खेल की कोई सपोर्ट कर रही है, इनकी माली मामनत कोई होती है, या किसी अच्छे आगे डिपार्टमेंट में KPK गवर्नमेंट इन प्लेयर को इतना अच्छा खेल रहे हैं? नहीं सर, सिलेक्शन इस तरह का किसी ने भी इस तरह की तवज्जो नहीं दी हुई है। हाँ, ये अपनी मदद आप किया और अपने शौक से खेल रहे हैं। बनेर को औलिया इकराम का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई रूहानी पेशवाओं और सूफिया इकराम के मज़ारात हैं, जिनमें 600 साल पहले दीवाना बाबा के नाम से सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनका मज़ार आज भी अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज है। दीवाना बाबा का असल नाम जान खान था। इस जमाने के बुजुर्ग और वली अखंडजादा बाबा और पीर बाबा के हम असर और हम मकतब थे। ये इलाका भी पूरा मशहूर है दीवाना बाबा के नाम से, और दीवाना बाजार भी नीचे है। इनका पूरा नाम हजरत मोहम्मद जान यूसुफ जई अल मारूफ दीवाना बाबा है। इनकी आल औलाद में से कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस मज़ार के अहाते में, इनसे हम बात करते हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद रियाज जी। अच्छा जी, मोहम्मद रियाज साहब बताइएगा ये दीवाना बाबा के मज़ार के बारे में, इसकी हिस्ट्री। तकरीबन कितने 100 साल पुराना ये मज़ार है? ये तकरीबन जो बनी है 1458 में, तकरीबन 600 साल अबव जी, लगभग 600 साल से अबव से जी। अच्छा, तो जो पीर बाबा से इनका कोई तल्लुक था? ये इसका दोस्त था, वो इकट्ठे रहते और उस वो ये भी बात कहते कि जब हमारे पास आते मज़ा तो पहले दीवाना बाबा के पास जाओ। अच्छा, जब पीर बाबा यहाँ पर आते तो पहले नहीं, वो इधर भी आते हैं, वो दूसरे लोग जो आते हैं ना टूरिस्ट, वो इधर पहले आते हैं बाद में वहाँ जाते हैं। अच्छा, जो टूरिस्ट हैं पहले यहाँ पर आते हैं और बाद में उधर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनकी करामात क्यों है? दीवाना बाबा इनको क्यों कहा जाता था, किस वजह से? दीवाना बाबा इसको इस वजह से कहते हैं, इसके तो बहुत सी करामात है, लेकिन जो हमें मालूम है उधर उसने एक सुकड़ हुए दरख्त को लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे बहुत जंगल बनी हुई है, वो मौजूद भी है सामने, लेकिन रास्ता ज़रा दुश्वार है, उसको जाना मुश्किल है, बारिश भी है। उन्होंने सिर्फ एक लकड़ी को ज़मीन में बिल्कुल दबाया और वो सरसब्ज दरख्त बन गया। बिल्कुल, जी नाजरीन, ये दीवाना बाबा जिनके हम मज़ार पर इस वक्त मौजूद हैं, कह रहे हैं कि ये उनकी तस्वीर है, यानी 600 साल पहले उन्होंने अपने लिए तस्वीर बनाई थी पूरे एक पत्थर को खोद के, और इसमें कितने दाने हैं? कितने? 15, और इसको वो अल्लाह ताला का वो विर्द करते थे, जिक्र करते थे, जिक्र करता था, करता या अल्लाह ये
यो अल्लाह यो तस्बीह, एक तस्बीह एक अल्लाह, एक तस्बीह एक जरिए से जिक्र। अच्छा, सिर्फ या अल्लाह एक तस्बीह, ये जिक्र करता था। ये इसका भाई है। अच्छा, ये उनके भाई का। अच्छा, ये बताइएगा ये क्या है? ये भूख लगता था, पेट में बंद करता था। अच्छा, सोता था, तकिया था। अच्छा, चिल्ला करते थे तब ये पेट पर बांधते थे? ना, बस ये जो भूख लगता था बंद करता, भूख नहीं लगता था, बस रोटी मुट तोड़ खाया। अच्छा, था, भी नहीं लगा। जी नाज़रीन, ये इन्होंने एक अपना तकिया सा बनाया हुआ है। हाँ जी, तो इसके ऊपर सोते भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ही थे सर रख के, और जब भूख लगती थी तो कह रहे हैं जी कि ये पेट पर बांध लेते थे। और एक करामत इस तस्वीर की ये है कि जैसे इन बाबा जी ने बताया है कि ये खुद उठा के बाहर तकरीबन आज से 20 साल पहले एक साथ एक चश्मा है उस पर लेके जाते थे, जब बारिश नहीं होती थी इसको वहां पर लेके जाते थे और वहां बारिश होती थी, वहां जाके कुछ पढ़ते भी थे, जिक्र भी करते थे, या खाली इसको चरपाई पर उठा के रखते थे? चरपाई में लेके जाता, रखता था, बस आता था, बारिश होता था। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार ए आलिया हज़रत बाबा जी साहब शलबांडे शरीफ बोनेर में, जिनका असल नाम हज़रत महमूद शाह कुरैशी था। इस इलाके के ये पीर थे और जब ये आयात थे तो उस वक्त भी लोग आते थे, इनसे दुआएं करवाते थे, जो भी उनकी ख्वाहिश होती थी वो अपने पास लेके आती थी। किसी भी किस्म का अगर इनका इशू होता था तो वो अल्लाह के हुजूर उनके लिए दुआ करते थे। और अब भी मकामी लोगों का यही कहना है, बेशुमार तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, ख़ास करके जुमरात और जुमे वाले दिन भी, और पूरे पाकिस्तान से इवन के यहाँ पर लोग आते हैं और कह रहे हैं कि जो भी हम दिल में हसरत लेके आते हैं तो बाबा जी के मज़ार के ऊपर हम बैठते हैं तो वो हसरत हमारी पूरी होती है। यानी यहाँ इनके जो मरीदैन हैं या जो मरीदों की वजह से दूर दराज पाकिस्तान के इलाकों से इस मज़ार के ऊपर आते हैं, उन लोगों का ये कहना है, और ख़ास करके जो इन मकामी लोगों से हमारी बात हुई है उन्होंने भी यही कहा है कि हम सच्ची नियत करके यहाँ इस मज़ार के ऊपर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ दुआ करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। देने वाली तो ऊपर की ज़ात है अल्लाह ताला की, लेकिन इससे नेक बंदे के दरबार में हाज़िरी देते हैं तो बकौल मकामी लोगों के कि उनकी हर किस्म की जो ख्वाहिश लेके आते हैं, जो हसरत दिल में लेके आते हैं, उनकी पूरी होती है। तो रिलीजियस टूरिज़म की हम बात कर रहे हैं, जब भी आप बोनेर का चक्कर लगे तो बोनेर में जैसे अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार हैं, और तकरीबन तीनों मज़ारों के ऊपर हम आपका विज़िट करवा चुके हैं, आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, इन हस्तियों के दरबार में हाज़िरी दें, यहाँ कुछ टाइम गुजारें, आपको रूहानी सुकून मिलेगा। तो आएँ चलते हैं, ज़रा बोनेर में ही घूमते हैं और देखते हैं कि नया पॉइंट हम कौन सा एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए। आप हमारे साथ रहें। बोनेर की खूबसूरत वादियों में बुलंद व बाला पहाड़ बेशुमार कुदरती खजानों से मालोमाल हैं। यहाँ पर पाए जाने वाला कीमती संगे मरमर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है, और संगे मरमर के तकरीबन 450 कारखाने हैं। यहाँ पर संगे मरमर की कई अकसाम हैं, जिनमें वाइट, सनी ग्रे, सनी वाइट, जंगल ग्रे, चीता जेट, ब्लैक स्टार, ब्लैक सिल्की शामिल हैं। सबसे ज्यादा संगे मरमर की कानें सलार जई में हैं। इस कारोबार से 10,000 लोग वाबस्ता हैं, जबकि यहाँ के लाखों लोगों का रोजगार संगे मरमर की सनअत से वाबस्ता है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 1,000 कनाल अराजी संगे मरमर सिटी के लिए मुख्तस की है, जिस पर काम जल्द शुरू होने वाला है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ नानसिर, इस इलाके का नाम है, तहसील गदजई है, डिस्ट्रिक्ट पुनेर, और चंद अफराद हमारे साथ मौजूद हैं जो मार्बल की सनत से वाबस्ता हैं, क्योंकि जो बोनेर्स का मार्बल है वो तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी मार्केटें और बड़ी शहर हैं वहाँ पर यहाँ से सप्लाई होता है। मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी का मार्बल फिनिश गुड में यहाँ तैयार किया जाता है, उसके बाद मार्केट में सप्लाई होता है। तो बातचीत इनसे करते हैं कि किस किस्म का मार्बल यहाँ निकलता है, और ख़ास करके यानी मोमेंट के मार्बल और इसके मार्बल में कितना फ़र्क है। जी, सबसे पहले अरशद साहब आप बताइएगा कि आप माइनिंग के कारोबार से कब से वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्बल के कारोबार से तकरीबन 1990 से हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वालिद साहब, अंकल, वो ये काम करते रहे हैं और यही काम है जो हमें। तो एक कितना इलाका लीज पर लिया हुआ है पहाड़ आपने, कितना एकड़? ये माइनिंग डिपार्टमेंट जो देती है ये 200 एकड़स पे एक लीज देती है, जितनी अच्छा। भी लीज हैं तो ये 200 एकड़स हर किसी को मिलते हैं, हमारे पास भी है। अच्छा, तो किस किस्म का मार्बल आप निकाल रहे हैं? ये बुनेर में इस इलाके में हमारा ये यहाँ पे निकलता है सनी ग्रे, सनी वाइट, जेट ब्लैक, सिल्की ब्लैक और स्टार ब्लैक। अच्छा, जो सिल्की ब्लैक और स्टार ब्लैक है इसकी डिमांड क्या है और खपत क्या है इसकी? ये स्टार ब्लैक तो बहुत खूबसूरत मार्बल है और ये सिल्की ब्लैक भी, मतलब ब्लैक के का एक हल्का सा शेड होता है। अच्छा, तो इसकी काफ़ी डिमांड है, ये पट्टी में यूज़ होता है। दूसरे स्टार ब्लैक जो है ये साइज़ में यूज़ होता है। अच्छा, तो इसको मतलब फर्श में, दीवारों वगैरह, काउंटर्स में इसी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ जा रहा है आपका मार्बल? मार्बल हमारा यहाँ बुनेर का जो है खाम मार्बल यहाँ से निकलता है और पूरे मुल्क का 70% मार्बल डिस्ट्रिक्ट बुनेर ही से निकलता है। और हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बुनेर में तकरीबन 400 मार्बल फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्वात, डिस्ट्रिक्ट मर्दान और डिस्ट्रिक्ट नौशेरा जहांगीरा और पिशावर तक यहाँ का मार्बल जाता है, खाम जो मार्बल है। तो उसकी फिनिश गुड भी यहाँ, ये तो फिनिश में हमें तैयार लग रहा है, तो जो खाम जाता है फिर उन फैक्ट्रियों में जहाँ लगी हुई है मशीनरी वहाँ पर जाके वो तैयार होता है फिनिश गुड में? जी, यहाँ बुनेर में भी और जो जितने बाकी जगह मैंने बता दिए तो वहाँ पे इसकी फिनिशिंग होती है, सीमी फिनिश्ड में भी और फिनिश्ड में भी। ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में, मतलब जो आप यहाँ पर ये जो हमारे सामने पड़ा हुआ है ये फिनिश्ड गुड है? नहीं, ये सर ये सेमी फिनिश्ड है। अच्छा, सेमी फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड, यानी इसका इसका भी फिनिश्ड और होना है, और होना है। इसकी फिनिश्ड में बिल्कुल कंप्लीट फिनिश्ड में आपके पास कोई पीस है? दिखाइएगा। यहाँ पे कंप्लीट फिनिश्ड में नहीं है, क्योंकि अच्छा। अगर ये जो पड़ा हुआ है तो इसकी पॉलिशिंग अभी बाकी है। अच्छा, पॉलिशिंग बाकी है इसकी, वो नहीं हुई। अच्छा, तो पॉलिशिंग कहाँ करते हैं, यहाँ पर ही करते हैं या वो कहीं बाहर होती है? यहाँ पे अगर डिमांड हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे जो कारोबार है होल सेल का है। अच्छा, तो जो बाकी आगे डीलर्स होते हैं उन्हें देना होता है, परचून में पे जो सेल करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए फिनिश्ड का डिमांड पॉलिश वो परचून वाले करते हैं या जो ले के जाते हैं जिनकी डिमांड होती है, जो गाहक होते हैं वो खुद करवाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं अपनी किसी जगह उन्होंने यूज करना है, या वो करवाते हैं फिनिश गुड में उसको? दोनों जगहों पे होते हैं, परचून वाले जो होते हैं वो भी कर लेते हैं और जो कंज्यूमर होता है वहाँ पे भी लगा के उसके बाद भी इसकी फिनिशिंग जो होती है, पॉलिशिंग, वो वहाँ पे भी होती है। अच्छा, ये यहाँ पर जिस इस कारखाने में जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो ये वाइट की कौन कौन सी इकसाम और कौन कौन से साइज है यहाँ पर जिसकी कटिंग हुई है यहाँ मार्बल? अच्छा, ये जो नजर आ रहा है सामने ये इसको कहते हैं बाम्पोखा नंबर 1। अच्छा, ये सुपर वाइट पत्थर है, बहुत कीमती है और थोड़ी सी जगह पे यहाँ पे बाम्पोखा में इसका माइन है। अच्छा, ये सबसे सुपर और दी बेस्ट क्वालिटी का है बुनेर की, जो बेस्ट क्वालिटी है वो यही है बाम्पोखा। अच्छा, नंबर 1। और इसका साइज क्या क्या है? इसका साइज जो होता है ये 12-12, मतलब अच्छा। जो होता है 12-24, 6-12, 4-12। अच्छा, ये मुख्तलिफ इसके साइजेस होते हैं। गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करेंगे कि आपकी और सपोर्ट करें ताकि ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हों, उनको रोजगार भी मिले? अच्छा, आप एक दूसरी जो आपने बात की ये ब्लास्टिंग वाला और कन्वेंशनल माइनिंग उसको कहते हैं, और एक मैकेनाइज्ड हमारा माइनिंग होता है जदीद। अच्छा, अब यहाँ पे सारा जो काम है वो कन्वेंशनल माइन ब्लास्टिंग के जरिए से हो रहा है, उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें वेस्ट बहुत निकलता है। लेकिन जो मैकेनाइज्ड माइनिंग है यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है, वो हो सकती है, लेकिन उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा है। कम अज़ कम अगर एक यूनिट को हम चलाना चाहें, एक माइन को, एक सिंगल माइन को, तो कम अज़ कम उसके लिए 8-10 करोड़ रुपये इसकी मशीनरी और हमारा जो सरमाया जो होता है वो दरकार होता है। तो अभी हुकूमत से हमारा यही डिमांड है कि यहाँ पे जितने भी जो माइन ओनर्स हैं, लीज होल्डर्स हैं, उन्हें ये मशीनरी प्रोवाइड कर दें, चाहे ग्रांट की सूरत में हो, लोन की सूरत में हो, उन्हें इसके लिए
वो सरमाया फराहम कर देता कि ये काम मेकनाइज चले। और सबसे जो अहम बात है, सबसे जो स्पेशली इस वक्त में जो कि हमारा मुल्क एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हमें चाहिए कि अपना जो इसी बहरान से निकलने का वाहिद जरिया है वो एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स है। और कैसे एक्सपोर्ट्स करेंगे जब हमारे पास क्वालिटी की कोई चीज होगी? यानी आप ये कहना चाहते हैं तो कि नरम शरायत के ऊपर आपको कर्जे दिए जाएं, जैसे मोहम्मद इकोनॉमिक जोन में बिजनेसमैनों को जो हो रहा किया जा रहा है, ताकि आप भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के यहाँ वो हम बना सकें, इम्पोर्ट करके आप यहाँ पर लाए, इम्पोर्टेड मशीन आपके पास हो, फिर आप एक्सपोर्ट जो गुड है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की फिनिश गुड वो हम बना सके, आप बाहर भिजवा सके, वो भिजवा सके, क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्क्वायर ब्लॉक नहीं निकलता। अभी जो एक्सपोर्ट होता है वो स्क्वायर ब्लॉक ही एक्सपोर्ट होता है। अभी जिस हम बात कर रहे थे वो ये दूसरे काउंटर्स की यही चीज है, फिनिश्ड फॉर्म में एक्सपोर्ट होती है। ये इतने ह्यूज डिपॉजिट्स होने के बावजूद हम अब भी बाहर से चाइना, इंडिया, वियतनाम, वहां से हम मार्बल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए कि वो फिनिश्ड गुड जरा खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है, मशीनरी से उसकी कटिंग उसकी कटिंग हुई है। जैसे इन्होंने कहा कि जिसकी चीज की कमी है वो जदीद मशीनरी की है, और जदीद मशीनरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा की है, वो अगर इन बिजनेस मैनों को साथ लेके चले, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं इनमें छुपे हुए खजाने हैं मार्बल के बेशुमार। जैसे इन्होंने कहा कि तकरीबन 400 फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर उनको फैसिलिटेट करें, जैसे मोहम्मद इकोनॉमिक जोन में बनाया है, जैसे इन्होंने कहा कि ज़मीन तो अभी सेक्शन 4 लग चुका है, तो यहाँ पर भी एक मार्बल सिटी बनेगा, इनको भी अगर फैसिलिटेट किया जाए। तो जैसे इन्होंने भी कहा कि ज़्यादातर पाकिस्तान में आप देखेंगे अभी तो कुछ पाबंदी लगी है, लेकिन हम इम्पोर्टेड संगे मरबल इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के डेकोरेशन में और इस्तेमाल में, जबकि दी बेस्ट मरबल हमारे अपने मुल्क में पैदा होता है। लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि बिजनेसमैनों को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा कि ये जदीद मशीनरी से इसकी कटिंग करें और इसको फिनिश गुड में तैयार करें, क्योंकि मरबल जो है वो सबसे जो बेस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो बलूचिस्तान का हिस्सा हो या खैबर पख्तूनख्वा का हो। बनेर में किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है और टूरिज्म का यहाँ पर स्कोप कितना है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर शबीर खान साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी सबसे पहले सर बताइएगा बनेर के बारे में, इतनी खूबसूरत वादी और आपने रिसेंटली चार्ज लिया है, तो क्या देख रहे हैं डेवलपमेंट स्कीमें कौन कौन से यहाँ लॉन्च होने जा रही हैं? सबसे पहले मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मलाकंड डिवीज़न में उन्होंने खसूसी फोकस के तहत डिस्ट्रिक्ट बनेर को कवर किया। अभी डिस्ट्रिक्ट बनेर में 10.5 हमारे पास बहुत से डेवलपमेंटल स्कीम्स अंडरवे है, कुछ पाइपलाइन में है, जिनमें अपलिफ्ट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनेर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, मलाकंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है, और इसके अलावा बनेर मेडिकल कॉलेज और कुछ दीगर प्रोग्राम्स भी हमारे अंडरवे है, कुछ पाइपलाइन में है, जिनकी एग्जीक्यूशन से इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा मेनली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूटिफिकेशन, मुख्तलिफ किस्म पार्क्स है, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म है, इन सब में इंशाल्लाह हमें मदद मिलेगी। अच्छा, टूरिज्म की प्रमोशन के लिए क्या कुछ आप इकदाम उठा रही है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो बनेर की इन खूबसूरत वादियों को भी देखते हुए आगे की तरफ जाएँ? अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक कंप्रेहेंसिव कॉन्सेप्ट पेपर हमने तैयार किया हुआ है, जिनमें हमारे जितने भी पोटेंशियल टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है, एरियाज़ है, उनको कवर किया गया है, उनकी जीआईएस मैपिंग की गई है, और वो कॉन्सेप्ट पेपर इंशाल्लाह शॉर्टली हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबमिट करवाएंगे, जिनमें हमारी जो रिलीजियस टूरिज़म है और सीनिक ब्यूटी है और दीगर मकामात है, उन सबको कवर किया गया है, उनको डेवलप करने के लिए बाकायदा उनमें प्रपोजल्स शामिल है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम शॉर्टली इंशाल्लाह हम इनको खसूसन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, रोड भी कोई एक्सप्रेस वे भी इसके साथ लिंक की जा रही है बनेर डिस्ट्रिक्ट के साथ मोटरवे से? अभी डिस्ट्रिक्ट बनेर डायरेक्ट
स्वात मोटरवे के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ के जो मोहतरफ मिनिस्टर साहब हैं मिनिस्टर सेंटर जो उनकी तरफ से भी ये कोशिश जारी है कि स्वात मोटरवे के साथ भुंजर को लिंक किया जा सके ताकि टूरिज्म को भी फ़रोख किया जा सके और डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जा सके। तो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉलेजेस डिग्री कॉलेज वगैरह आपके जो सब डिवीजन है उसमें और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर कितने हैं? अभी हमारे पास टोटल कॉलेजेस 6 है जिनमें 3 फीमेल के हैं और 3 मेल के हैं। 2 मजीद कॉलेजेस इन द पाइपलाइन है जो कि मैंने खुद रिकमेंड किए हैं फीमेल स्पेसिफिक ताकि जो हमारा फीमेल स्पेसिफिक एजुकेशन रेशो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज देंगे आप? टूरिस्ट के लिए सिंपल है कि आप बुनीर आए, इंशाल्लाह यहाँ की सीनिक ब्यूटी, यहाँ की जो रिलीजियस टूरिज्म वाला पोटेंशियल है, पीर बाबा है, दीवाना बाबा है, वहाँ लोग आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। मैं अपने तौर पर कोशिश करूँगा कि इन सेक्टर्स को फ़रोग दे सकूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे बुनियर में होटलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर वक्त गुजारना चाहते हैं लेकिन वो वाला पोटेंशियल नहीं है। एट फर्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि होटलिंग जो हमारी इंडस्ट्री है उसको फ़रोग दूँ ताकि जो हमारी रिलीजियस टूरिज़म है या दीगर सीनिक ब्यूटी है उनके लिए आने वाले लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। जी नाज़रीन, आज हमने एक्सप्लोर किया आपके लिए डिस्ट्रिक्ट बोनेर को, हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाली और कुछ आपको दिखाया कि इन इलाकों में भी रेजिस्टेंस शो की गई है और अच्छी खासी, चाहे हम बात करें सिखों के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस हुई है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस हुई है और यहाँ पर भी एक बादशाह का निज़ाम राइज रहा है अच्छा खासा और उसको मुकामी लोगों की सपोर्ट भी हासिल रही है। आप भी विज़िट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बोनेर का। हम आपको रास्ता बताते चलें, आपको ज़रा रूट मैप पर रोशनी डालते हैं अपने इस पहली एपिसोड में जो बोनेर के ऊपर कर रहे हैं। इस्लामाबाद मोटरवे से आप आते हैं तो आप खैबर पख्तूनख्वा एक्सप्रेसवे जो पहली मोटरवे है स्वात मोटरवे पर आप सफ़र करते हुए स्वाबी इंटरचेंज से आप नीचे उतरेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा बरास्ता रुस्तम, आप पहुँचेंगे अम्बाला चौक, वहाँ से होके आप इस खूबसूरत जो गांव मलका है इसमें आ सकते हैं और यहाँ ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का उनका प्लान है कि इस पहाड़ी के ऊपर एक टूरिस्ट कैंपिंग पॉइंट जो है वो कायम किया जा रहा है और बहुत जल्द उसका इफ्तिताह होगा। यहाँ तक तो सड़क हमें पक्की मिलती है लेकिन आगे कच्चा रोड है और कहा जा रहा है कि इसका PC1 तैयार है और बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू होगा। यहाँ विज़िट करने के बाद आप जा सकते हैं जो डगर है सदर मकाम बोनेर का और वहाँ आप इन मज़ारात का विज़िट कर सकते हैं जैसे दीवाना बाबा का और पीर साहब का मज़ार के बारे में आपको बताया तो उसका भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आप देखना चाह रहे हूँ अगर आप हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को, उसको लाइक करें और बेशुमार आपको हमारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर भी पहाड़ों के सफ़र के अलावा आपको बेशुमार पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों की और शहरों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट बोनेर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।